हेलो गाइस, वेलकम टू वी एन टेक एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी A73 जो सैमसंग गैलेक्सी A72 का सक्सेसर होगा वो इंडिया में आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है। अब इस वाले स्मार्टफोन की काफ़ी सारी स्पेसिफिकेशन भी लीक निकल कर आ चुकी है। मैं आपको आज के इस वाले वीडियो में सैमसंग गैलेक्सी A73 की क्या स्पेसिफिकेशन होगी उसके बारे में बताऊंगा और ये स्मार्टफोन क्या प्राइस रेंज में इंडिया में लॉन्च होगा और कब इंडिया में लॉन्च हो सकता है सभी के बारे में बात करें। बस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखते रहिए। वैसे दोस्तों, इस वाले स्मार्टफोन की काफ़ी सारी स्पेसिफिकेशन आ गई है, मतलब बहुत ही जल्दी आपको सैमसंग गैलेक्सी A73 5G इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस वाले स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। डिस्प्ले के बारे में बात करें, इस वाले स्मार्टफोन में 6.7 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले होगी, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश हो सकती है। इधर आपको HD+ का सपोर्ट डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा। आपको इधर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी डिस्प्ले में देखने को मिल सकती है। अब इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें दोस्तों, अभी तक इस वाले स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में कंफर्म लीक नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इस वाले स्मार्टफोन में इस वाले स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 7 सीरीज वाला प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, मेरे हिसाब से इस वाले स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 780G प्रोसेसर होगा और इसकी जो परफॉर्मेंस निकल कर आएगी काफ़ी अच्छी होगी। अच्छी खासी गेमिंग भी आप इस वाले प्रोसेसर में आईएस ग्राफिक्स पर कर सकोगे। अब इसके कैमरे के बारे में बात करें, इधर 108 मेगापिक्सल कोड रियर कैमरा सेटअप होगा और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल की सेंटर पंचोल सेल्फी होगी। जो रियर कैमरा काफ़ी अच्छा होगा, 4K वीडियो शूटिंग भी कर सकोगे और फ्रंट में भी आप 4K वीडियो शूटिंग कर पाओगे। तो कैमरा जो ओवरऑल निकल कर आएगा काफ़ी अच्छा होने वाला है। अब इसके बैटरी कैपेसिटी चार्जर के बारे में बात करें, इस वाले स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी हो सकती है, लेकिन कौन सा चार्जर होगा उसके बारे में अभी तक कोई भी लीक नहीं आई है। मेरे हिसाब से आपको इधर 25W का चार्जर देखने को मिल सकता है। अब इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करें, इधर आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, फेस लॉक अनलॉक का भी सपोर्ट आपको मिल सकता है और दोस्तों इधर One UI 3 मिलेगा जो एंड्रॉइड 11 पर बेस होने वाला है। और ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के साथ सैमसंग गैलेक्सी A73 5G इंडिया में आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इसके वाले स्मार्टफोन की प्राइस और लॉन्च के बारे में बात करें, अभी तक इसकी प्राइस के बारे में कोई भी लीक नहीं आई है, लेकिन लॉन्च के बारे में बात करें ये जो स्मार्टफोन है इंडिया में आपको अक्टूबर में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, देखते हैं सैमसंग क्या प्राइस रेंज में और कब ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करता है। वैसे आपका क्या ख्याल है इस वाले स्मार्टफोन के बारे में, नीचे आप मुझे कॉमेंट करके भी बता सकते हो। तो दोस्तों, इतना था आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे इंटरेस्टिंग मोबाइल स्पेसिफिकेशन अनबॉक्सिंग वीडियो देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर दीजिए। तो मिलता है अगले वीडियो में, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।